संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान की उद्देशिका पर संबोधन दिया गया और जिसे कोटेगांव के वन विभाग कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा टीवी पर सुना गया। आपको बता दें कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आज 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है और यह वही दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह हमारे देश का संविधान ही है जो हमें एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है। देश के संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा कवच बनकर उसे उसका हक तो दिलाते ही हैं, साथ ही उसकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं। आज संविधान दिवस पर लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के संबोधन को टीवी पर सुनते समय वन विभाग SDO PK खत्री एवं वन अधिकारी सोनम जैन, डिप्टी रेंजर चौहान के साथ ही अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रक्षेत्र गोटेगांव एवं उनके मुख्यालय पर उपलब्ध स्टाफ के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप संविधान के स्थापना दिवस में बने प्रोग्रामों में पूरी सहभागिता से अपने जिसकी उद्देशिका को पढ़ा गया और उनके दिशा निर्देशों को पढ़ा गया और सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इनके हम सब के द्वारा स्थापना दिवस को घर उल्लास से मनाया गया और संसद भवन में हो रहे प्रोग्रामों को हम अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखते हुए पूरे उसका अनुसरण किया गया। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।